प्रणाम, हम किशोरीलाल यादव। और कल एक बहुत बेहतरीन हमारा सिनेमा रिलीज होता SRK में, म्यूजिक से SRK कंपनी से, डोली सजा के रखना। हम अमरपाली जी मानी बहुत सारा कलाकारों में बानी, आज सभी अपन प्यार आशीर्वाद दे लेबा। पराग पाटिल के भी हम सिनेमा करते नहीं जी, आज थोड़ा सा नेटवर्क के प्रॉब्लम बा। हमने के वो सिनेमा में योगदान शुरू शुरू में हमारे देव पांडे जी ने बहुत बढ़िया दिया, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, उनकी पूरी टीम ने कोऑपरेट की। रक्षा गुप्ता ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे कैमरामैन प्रिंस भाई ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने जितने भी आर्टिस्ट है सबने अपना प्यार दिया, जितने भी टेक्नीशियन है सबने अपनी 110% उस सिनेमा को दिया। और कल बहुत दिन बाद इतने सारे थिएटर मिले हैं उस सिनेमा को, हमारे निशांत उज्जवल जी उस सिनेमा को रिलीज कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से पूरी टीम को और मैं बिहार की जनता को यही कहूँगा कि देखिए, जिस तरह बाकी लैंग्वेज के लोग अपने भाषा को इतना प्यार और हॉल में जाकर देखते हैं ताकि अपनी भाषा बड़ी हो, और हम लोगों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। और एक हॉल लायक के सिनेमा बना भी है तो एक बेहतरीन सिनेमा को अपील करने के लिए इसीलिए आया हूँ कि अगर आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बेहतरीन सिनेमा को ऐसे ही देंगे तो हम कोशिश हर दिन कर रहे हैं कि एक बेहतरीन सिनेमा का हिस्सा बने और आप सबका मनोरंजन भी कराएं और उससे समाज को हम कुछ दे सकें। तो बस कोशिश यही है हमारी। एक हमारा टीएफ से गाना भी, टीम कंपनी से गाना भी रिलीज हुआ था, हे गो नचनिए करण कनिया के भुलाई रे गईलन, एगो गाना और रिलीज हमारे भाई रला होखे वाला बा काल वेब कंपनी से पारो, बहुत अच्छा गाना शूट भइल बा। नम्रता मल्ला जी बहुत अच्छा, हमारे दिनेश जी ने, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे प्रियांशु जी और वीडियो डायरेक्टर पाल जी, मैंने सबने बेहतर काम किया उसमें। और जे भी उससे जुड़ल बा वो गाना से सबके भी दिल से थैंक यू कि आप लोग ने इतना बढ़िया गाना के हिस्सा हमके बनाने। अब काले गुरु जौन गाना रिलीज होता है ओकरो पर संदेह बा, रीजन ई बा कि बहुत ज़्यादा हमारा गाना पर स्ट्राइक लगता और केकरा तरफ से लागता, काहे लागता, कैसे लागता, अभी हम नाम ना ले अब हम बताए ऐसा, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो हम बढ़िया से रो सबके बताए, लेकिन ठीक बा कौनो बात ना, अब रो सबके प्यार देवे के बा। और देखा नहीं ये कल का होता, अगर गाना बंद भइल तो वो लोग जान जब कि केकर काम हो, ये वो लोग जाना था नहीं, करीब करीब कुछ लोग तो जानते बा। तब सब रोलों की इंसाफ करेगा बाकी, अभी भोजपुरी समाज के साथ गलत होता, कहीं ना कहीं अगर भोजपुरी समाज बेहतरीन करे के कोशिश केहू करे, ओकरा के डिस्टर्ब करे के कोशिश केहू कंपनी के माध्यम से होके या केहू इंसान के माध्यम से होके, तो कहीं ना कहीं अपन भोजपुरी समाज डिस्टर्ब होता, अपन भाषा डिस्टर्ब होता। तो ठीक बा कौन बात ना, कल एगो गाना भी रिलीज होता पारो, बहुत बेहतरीन गाना बा, कमाल के शूट भइल बा। और टीम कंपनी के भी गाना करे लोग इतना प्यार देने, टी सीरीज के हमारे गाना के या खुदा कितना प्यार देनी, हमारे सुलभ बाबा की कंपनी को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, समोसा जो गाना मेरा रिलीज हुआ उसको आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मकई गाना जो रिलीज हुआ था सिवाय फिल्म के लिए, अंकिता फिल्म पर जो हम गाना रहे वो समोसा कि भतारम और समोसा के सलाई के खोखा, यारवा समोसा के चोखा रहे भतर मोसलाई के खोखा। तो ऐसे ही प्यार आप आशीर्वाद आप सब देते रहिए, चीजें तो होती रहेगी और जो आगे रहता है आप लोगों ने जिसको बड़ा किया है, हम आपके प्यार से बड़े हुए हैं, तो जब कोई बड़ा होता है तो चीजें भी आती है, प्रॉब्लम भी उसी को होता है, आप लोगों ने इतना प्यार ही दे दिया है कि प्रॉब्लम जीवन में आती ही रहेगी। और जब तक आप सबका प्यार मेरे ऊपर है ये प्रॉब्लम से मैं ज्यादा दूर नहीं रह पाऊंगा, वो आएगी, लेकिन हमारी ताकत आप सब हैं और आपकी ताकत के वजह से और आपके प्यार और आशीर्वाद के वजह से मैं कुछ भी कर जाता हूं और हर दिन मेहनत करता हूं, 24 घंटे से सोया नहीं मैं, दिल्ली गया सारेगामा का गाना किया, पूरी नाइट 6 बजे तक जगा रहा, 9-10 बजे की फ्लाइट, 7:30-6 बजे पिकअप हुआ, 8:15 की फ्लाइट थी मेरी, फिर मैं आ गया गोरखपुर अपना सिनेमा
हमारे रत्नाकर वर्ल्ड वाइड जी, वर्ल्ड वाइड के मालिक रत्नाकर जी की संघर्ष 2 का शूटिंग शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा आप सबका दिया हुआ है कि थकान कभी नहीं होती मुझे और मैं नहीं थकता, चाहे दुनिया मुझे कितना भी डिस्टर्ब करना चाहे। कोशिश तो सबकी होती है, कुछ लोगों की। अब कल का गाना रिलीज हो रहा है, वेब से देखिए क्या होता है, और अगर कुछ हुआ तो अब आप सबके हाथ में दे रहा हूँ, इंसाफ आप सब करिएगा। और बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर से आप लोग पूछिएगा तो लोग खुद बता ही देंगे जी किसका काम है, क्या है, क्यों है, कौन कर रहा है ये सारी चीज़। बट ठीक है, इंसाफ आप सबके हाथ में है कि आप उनके साथ आपको क्या करना है, अपना प्यार देना, आशीर्वाद देना, उनको दुआ दीजिए कि वो कम से कम डिस्टर्ब करने में कामयाब हो जाए। अब देखते हैं कि आप सब, और कल मेरे सिनेमा के लिए इतना भीड़ लगा दीजिए, एक इतना बड़ा इनिशियल आप सबको मैं चाहता हूँ कि, और मल्टीप्लेक्स में भी लग रहा है सिनेमा, कई जगह लग रहा है, मुझे लगता है कि 35-40 हॉलों में लग रहा है ये। तो प्लीज मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बेहतर सिनेमा के लिए मैं अपील कर रहा हूँ, डोली सजा के रखना, वो माता बहन बेटी से लेकर आप किसी के साथ उस सिनेमा को देख सकते हैं, एक परिवार से भरा हुआ, एक इमोशन से भरा हुआ, एक संगीत से भरा हुआ, मैंने हर वो चीजें इंटरटेन से लेकर एक इमोशन से लेकर रिश्तों को इतने बेहतरीन तरीके से उसमें निभाया गया है। तो सारी चीजें आपको मिलेगी और आपको सीख मिलेगी उस सिनेमा से, एक पिता के प्रति, एक पत्नी के प्रति, एक माता के प्रति, एक बहन के, मैंने हर वो चीजें आपको देखने को मिलेगी उसमें। तो बस डोली सजा के रखना, और कल पारो जो रिलीज हो रहा है वो टीम कंपनी का एक नचनीय कारण, जिसमें हमारे सपना चौहान जी ने बहुत बेहतरीन काम किया, जो कि हमारे यहाँ से ना होकर हिमाचल प्रदेश से होकर उन्होंने इतना बेहतर काम किया। तो सबको दुआ दीजिए, मैं तो प्यार के लिए ही काम करता हूँ, चाहे 24 घंटा करूँ या 72 घंटा करूँ या मैं 5 दिन लगातार नाइट शूट डे शूट करूँ, वो फर्क नहीं पड़ता, जबकि आपका प्यार जब मुझे मिलता है ना तो मुझे सारी थकान दूर हो जाती है। और मैं किसी का कुछ बिगाड़ने की कोशिश कभी नहीं किया, बट देखता हूँ कि मुझे कितना कौन बिगाड़ पाता है। मैं भी यही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके, मैं तो बस एक वकील हूँ, जज तो आप सब हैं, मैं बहस करता हूँ, फैसला आप सबके हाथ में होता है कि आप कलम तोड़कर फांसी की सजा सुना देंगे कि उम्र कैद की सजा देंगे, अब आप हमको देंगे कि जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है उसको देंगे, क्योंकि मैं क्या था क्या नहीं किसी से छुपा नहीं है, मेरे जीवन में मैंने बहुत कष्ट की है और आज भी मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं बड़ा नहीं, मैं वही हूँ, आपका बेटा हूँ और आपका बेटा बन के ही जीवन को चलाना चाहता हूँ। स्टार्डम कहाँ है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसे, स्टार्डम तो आती है जाती है, बट मैं जब बेटा बन के रहूँगा तो मैं चाहता हूँ कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने माता पिता का, मेरे भाइयों का, मेरे भाभियों का, मेरे बहनों का, सबका प्यार आशीर्वाद लेकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरी कोशिश भी यही रहती है कि ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद आप हमेशा हमें देते रहिए, ताकि आपके प्यार इतना मिल जाए कि मुझे कोई दुनिया का आदमी डिस्टर्ब ना कर सके, और आपका प्यार है तो मुझे कहाँ घंटा डिस्टर्ब ना कर पाई, तू लस ही हमके प्यार करत रहा, देखा तनी के हमारे के डिस्टर्ब करत, हम ये जिन बनी इतना दिन से डिस्टर्ब करके कुछ ना भइल, अब और ही एगो दूगो उपटल बलू होलो डिस्टर्ब कहिए दे, देखा तनी का करत आलो, बट कौनो बात ना, वो लोग इन बानी हमारे साथ है तब हमके कौनो गम नहीं के। और कल जो सिनेमा हमारे ऑल ओवर इंडिया रिलीज होता, यूपी से लेके, बिहार से लेके, झारखंड से लेके, बॉम्बे से लेके, मैंने हर जगह वो रिलीज होता, तो जहाँ भी जहाँ से लोग हमारे के देखे वाला बा, जे भी हमके प्यार करे वाला बा, हम चाहब कि एक बार वो लोग इन अपना भाई खाती ना, बस अपना भोजपुरी खाती एक बार सिनेमा हॉल में प्लीज जाइए वह सब, ताकि हमनियों के 35 करोड़ जनता लेके भी अपने आप के बड़ा नहीं खींचा कर पावत, काहे कि रहू लोग इन रहू लोग लायक सिनेमा लोग नहीं खे दे पावत, एगो बेहतर सिनेमा बनल बर वो लोग अगर ओकरा के प्यार दे तो शायद हर आदमी बेहतर करते करते हमनियों के इंडस्ट्री में 100 करोड़ के सिनेमा बनल शुरू हो जाए। तो बसरते प्यार रहुआ सबके चाहिए, रहू लोग के जागरूकता एक साथ अगर आ गई, अकाल रो सबके अपन पावर दिखावे के बाकी हाँ भोजपुरी के कितना रो लोग इन सम्मान के साथ और ऊपर लेके जा सके। हमने के कोशिश बस संगीत के माध्यम से अपने आपके परोसल और कुछ बेहतर का करे वह सबके बीच में डाला, अब रो लोग इनके जब रिजल्ट दे लेता मनोबल बढ़ेला थोड़ा सा और आदमी और ऊर्जवान हो जाला, बेहतर करे की कोशिश की तरफ आदमी अपन कदम बढ़ावेला कि ना बेहतर करना है हमें, बेहतर करना है। तो प्लीज बस रिक्वेस्ट बा, कल पारो हमारे वेब से रिलीज होता ओकरो के प्यार दी, और कल सिनेमा जो हमारे लिए जो था इतना प्यार दे दी, इतना प्यार राउर बेटा चाहे केहू कितनो डिस्टर्ब करेंगे गदगद आ जा, हमारा का लाइव हमके लाइव आवे के पड़े, लाइव आके रवा सबके धन्यवाद देवे के पड़े। तो थैंक यू, शुभ रात्रि, और गणेश जी सबके घर में आए हैं,
सबको मेरे तरफ से प्रणाम, और कि गणेश भगवान सबके दिल में बसे, ऐसे ही सबको उन्नति मिलती रहे, मेरी शुभकामना है आप सबको। अपने बेटे पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि मैं ऐसा ही ऊर्जावान हूँ और हमेशा। थैंक यू सो मच, लव यू।